हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एम के इन्फो एजुकेयर आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पाइथागोरस जो थे एक मैथमेटिशियन थे एक गणितज्ञ थे इन्होंने राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम को सर्च किया था इसलिए इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक राइट right ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें ये सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको एच से डिनोट करते हैं और ये एंगल जो है ये थीटा है ये राइट right ट्रायंगल में एक राइट right एंगल होता है मीन्स 90 डिग्री होता है और रिमेनिंग टू एंगल्स जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है मतलब लेस देन 90 डिग्री होता है तो इसमें थ्री साइड्स हैं और थ्री साइड्स का यहाँ पे अलग अलग नाम है तो ये थीटा वाला जो साइड होता है नीचे इसको बी से डिनोट करते हैं बी का मतलब होता है बेस और ये लॉन्गेस्ट साइड है इसे एच से डिनोट करते हैं एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज और ये थीटा के अपोजिट साइड जो होता है उसे पी से डिनोट करते हैं जिसे परपेंडिकुलर कहा जाता है तो चलिए P का मतलब होता है परपेंडिकुलर जिसे हिंदी में लम्ब कहते हैं B फॉर होता है बेस बेस को हिंदी में आधार कहते हैं और H फॉर होता है हाइपोटेन्यूज़, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं तो इस तरह से H का मतलब P का मतलब और B का मतलब क्या होता है ये हमें पता चल गया और ये राइट right ट्रायंगल है अब हम लोग जानते हैं कि ये जो पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने यह सर्च किया था कि अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल में मीन समकोण त्रिभुज में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस मतलब ये जो लॉन्गेस्ट साइड है जो राइट एंगल के अपोजिट साइड ये जो हाइपोटेन्यूज़ टेन, है इसका स्क्वायर जो होता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ परपेंडिकुलर एंड बेस मतलब यह परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है एक बार और रिपीट करते हैं कि पाइथागोरस ने कहा था ये सर्च किया था कि इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ़ इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ़ परपेंडिकुलर एंड बेस इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ठीक है एक बार और रिपीट करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो पाइथागोरस थ्योरम यही है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके इक्वल होता है बराबर होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और फिर बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम है ठीक है अब नेक्स्ट जानते हैं कि ये जो राइट ट्राइंगल है ठीक है इसमें ये लॉन्गेस्ट साइड जो एच है ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मेन फार्मूला है ये पाइथागोरस का ये मेन फार्मूला है ठीक है और इससे इसमें थ्री पार्ट्स है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस तो इसमें से कोई दो दिया हुआ रहता है तो हम तीसरा निकाल लेते हैं तो इसका अगर पी स्क्वायर अगर निकालना है तो इसी मेन फार्मूला को बैलेंस करके बनाया जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अगर पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड में से एच स्क्वायर में से माइनस कर देंगे बी स्क्वायर को अगर ये बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पे तीनों निकल गया यहाँ पे ठीक है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अगर सिर्फ एच निकालना है तो क्या करेंगे ये जो स्क्वायर है इधर रूट बन के चलाएगा ठीक है तो एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ठीक है ये हो जाएगा फिर इसी तरह से यहाँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वा इसमें सिर्फ पी निकालना होगा तो क्या करेंगे H B हो यहां, A है, कर चला आता है ठीक है इक्वेशन के दूसरे साइड में फिर तीसरा नंबर में यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दिया हुआ है अगर सिर्फ बी निकालना है तो ये स्क्वायर इधर रूट बन के चला आ जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को हम बैलेंस करके मतलब निकाल सकते हैं एक दूसरे साइड्स को ठीक है इसमें तीन हुआ तीन में से कोई दो दिया हुआ रहता है तो तीसरा इसी फार्मूला के हेल्प से पाइथागोरस फार्मूला के हेल्प से हम थर्ड साइड को निकाल लेते हैं ठीक है अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है इस राइट ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है ठीक है और इसमें से थर्ड साइड को निकालना है तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिया हुआ है और एक ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो लॉन्गेस्ट साइड को क्या बोलते हैं एच बोलते हैं और ये परपेंडिकुलर है और ये पे बेस निकालना है तो जो दिया हुआ है उसको पहले हम मेंशन कर देते हैं पी दिया हुआ है ट्वेल्व यानी कि परपेंडिकुलर 12 हुआ एच मींस हाइपोटेन्यूज थर्टीन हो गया और यहाँ पे बी नहीं है बी फाइंड आउट करना है तो बी निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ देखिए ये यह तीनों फार्मूला यहाँ साइड में लिख दिया गया है ये बी इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है तो इसी फार्मूला से हम ये थर्ड साइड निकाल लेंगे दो दिया हुआ रहेगा तीसरा हम इस फार्मूला का यूज करके निकाल लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे h के जगह पे हम लिखेंगे 13 और p के जगह पे लिखेंगे 12 तो इस तरह से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर तो थर्टीन का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पे टूल्व का स्क्वायर लिखेंगे और ये रूट इसके ऊपर डाल देंगे ठीक है अब क्या हो जाएगा थर्टीन का स्क्वायर वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर वन तो इस तरह से इसको जब हम डिफरेंस करेंगे सब कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट क्या होता है फाइव तो इस तरह से ये थर्ड साइड निकल गया तो आई होप कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसकी जरूरत कहाँ होती है आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बी सेफ टेक केयर गुड बाय